स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4.3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। क्या कहता है क्वेश्चन में, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 50 एम्पीयर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट ए पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ द वायर। ओके, ये कह रहा है कि मेरे पास इस टाइप से, मैं लेट कर लेता हूँ, WSEN। अब जो करंट है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है और जो करंट की वैल्यू है वो दे रखी है मुझे 50 एम्पीयर। अब ये कहता है कि द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ बी एट पॉइंट, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट मैंने मान लिया कि 2.5 मीटर है, यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड यानी ईस्ट पर निकालना है। तो देखो, हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बच्चों, वो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π2I/R, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू वो 10⁻⁷ हो जाएगी। 2 इंटू करंट की वैल्यू कितने गिवन है हमें, 50 एम्पियर गिवन है, तो 50 एम्पियर हो जाएगा। एंड डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है, 2.5 मीटर है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक के पॉइंट को हटाने के लिए मैंने एक जीरो यहाँ पर लगा दिया, तो 25 से ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4, एक जीरो से इसकी एक जीरो कम हो जाएगी, तो 4 इंटू 10⁻⁶ के 6 टेस्ला।